टीकमगढ़ जिले की दयोदय पशु गो सेवा केंद्र पपोरा गौशाला में गायों की मौत के मामले को लेकर एक जांच टीम रमन्ना के जंगलों में पहुंची, जहां गायों के कान में लगने वाले टेको से स्पष्ट हो गया कि गायों के शव पपोरा गौशाला के ही हैं। हालांकि जांच टीम में शामिल अधिकारी अपने विभाग और गौशाला की कमियां छुपाते नजर आए। पपोरा गौशाला के कर्मचारियों ने ठंड के मौसम में 100 से ज्यादा गायों की मौत होने की बात कही थी, जिसके बाद मीडिया द्वारा यह खबर दिखाई गई। खबर प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और एक जांच टीम बनाकर रमन्ना के जंगलों में भेजी गई। इस जंगल में जब पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने गायों के कान में लगने वाले टेक देखे तो मौके पर ही कुछ टेकों की जांच की गई और मीडिया के सामने ही यह स्पष्ट हो गया कि ये गायें पपोरा गौशाला की है। नगरपालिका क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत नहीं होती है और जिन गायों की मौत होती है उन्हें नगरपालिका अपने क्षेत्र में चिन्हित स्थान पर डिस्पोर्ट करता है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। नगरी क्षेत्र एक तो जो आप जिस गौशाला की बात कर रहे हैं वो क्षेत्र एक तो नगरीय क्षेत्र में नहीं आता। नगरपालिका के पास अपना खुद का टेंचिंग ग्राउंड है और नगरीय क्षेत्र में जो आप बोल रहे हैं कि इतने जानवर भारी तादाद में मृत अवस्था में पाए गए और जिन भी विभाग के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं पूर्णतः निराधार है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में 2-5-10 दिन में कभी किसी जानवर के साथ घटना दुर्घटना हो जाए और वो मृत अवस्था में पाया जाता है तो 2-5-10 दिन में एक जानवर मिलता है। अगर आप संभवतः उनकी संख्या भी लेंगे तो 10-12 होगी, उससे ज़्यादा नहीं रहती। और हम लोग अपने टिंचिंग ग्राउंड में जानवरों को मृत मवेशी की गाड़ी से ले जाते हैं और उनको गड्ढों में व्यवस्थित तरीके से उनका डिस्पोज कर दिया जाता है। हाँ, ये तो आरोप पूर्णतः निराधार है, इसे नगर पालिका का कोई लेना देना नहीं है इस मंत्री से। इस जो खबर प्रकाशित हो रही पपोरा गौशाला के संबंध में, आज जांच के लिए हम आए, पूरी टीम लेके आए और उसमें ये देखा है कि जानवरों तो डेड बॉडी डली हुई है और उसमें जो टैग लगा हुआ है, कुछ टैग भी हमने प्राप्त किए हैं और इसमें एक दो टैग पपोरा गौशाला के भी प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हम जांच करके देखेंगे कि टैग जो प्राप्त हुए हैं वो गौशाला के कितने हैं और बाकी और आसपास के गाँव के नगर पालिका के भी जानवर यहाँ फेंके जा रहे हैं। तो इस हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।